कनौज पहुंचते ही बिकनी गर्ल अर्चना गौतम ने मचाया तहलका, सरेआम भाजपाइयों की लगा दी लंका। जी हां, आपको बताया चल कि 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले स्टार प्रचारक द्वारा लगातार अलग अलग जगहों में पहुंचकर रोड शो और जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिकनी गर्ल से मैसूर और हस्तिनापुर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम आज कन्नौज दौरे पर थी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार नीलम साखी के लिए एक भव्य रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर दिखे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा कन्नौज से नीलम साखी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा अलग अलग जगहों में पहुंचकर अपने पक्ष में वोट मांगने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की स्टार प्रचारक और हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम आज कन्नौज पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम साखी के लिए एक भव्य रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों का जमावड़ा सड़कों पर उमड़ पड़ा और लोग प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जमकर नारे भी लगाए। बताते चले कि बस अब दो दिन के बाद यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन आज शाम 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसी को देखते हुए आज अर्चना गौतम कन्नौज पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार नीलम साखी के लिए एक भव्य रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।